हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार, लास्ट क्लास में रेशियो एनालिसिस हमने आपको पढ़ा रहे थे और हमने आपको लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो, यह दोनों आपको मैं बता चुका था। लास्ट क्लास का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके वो आप वीडियो देखिए। एग्जाम आने वाला है, इम्पॉर्टेंट है सारा टॉपिक। आज की क्लास में ना मैं सॉल्वेंसी रेशियो खत्म करूंगा। आज की क्लास में सॉल्वेंसी रेशियो का सारा फॉर्मूला बता दूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको बताएंगे जो आपका सॉल्वेंसी रेशियो से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, समझते हैं। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की तरफ। हाँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मैं लास्ट क्लास में भी बोला था, फर्स्ट क्लास में भी बोले थे और सेकंड क्लास में भी बोले थे कि फॉर्मूला इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर्मूला पे आपके अगर आपका पकड़ है ना, तो यह चैप्टर के क्वेश्चंस आपके बहुत ही इजीली बनेंगे। फॉर्मूला याद कीजिएगा, ठीक है। मैंने देखिए एकदम सीक्वेंस से लिखा हूं। बात करें सबसे पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सबसे पहले बात करें सॉल्वेंसी रेशियो, हमने यहां पे देखा था, इसमें आपका डेप्ट कवरेज रेशियो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। फॉर्मूला था कैश अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन, कैश अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन, ये आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा। बाई इंटरेस्ट, अगर सपोज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई भी इंटरेस्ट दिया हुआ है, और इंस्टॉलमेंट फॉर पेमेंट ऑफ लोन अगर दिया हुआ रहेगा, तो आपका उससे हम लोग का डेप्ट कवरेज रेशियो निकलेगा। उससे हम लोग का क्या निकलेगा? डेप्ट कवरेज रेशियो, क्लियर। दूसरा आपका आता है फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशियो, फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशियो। यहां पे देखिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्लियर। अगर आफ्टर दिया हुआ रहेगा, अर्निंग के आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो अगर इंटरेस्ट एंड टैक्स का अमाउंट दिया हुआ रहेगा तो प्लस करके हम निकाल लेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्लस फिक्स्ड चार्ज बिफोर टैक्स, कोई फिक्स चार्ज दिया हुआ है टैक्स के पहले का, तो वह हम लोग प्लस कर देंगे, और बाई इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट ऑन शेयर, डिबेंचर, कुछ भी वैसा रहेगा इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग प्लस करेंगे, प्लस फिक्स चार्ज बिफोर टैक्स जो यहाँ पे ऐड किए थे यहाँ भी कर देंगे। ठीक है, जो हमारा रिजल्ट आएगा वह हमारा फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो देगा। ठीक है, एक चीज और, यह दोनों टर्म एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। अगर आप बात करें डेप्ट कवरेज रेशियो, फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो, बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादातर आपको दिखते हैं पे आउट रेशियो, कैपिटल रेशियो, इक्विटी रेशियो, ये सब ज्यादा टर्म्स हैं जो एग्जाम में देखेंगे। जैसे देखिए पे आउट रेशियो, डिविडेंड पर इक्विटी शेयर, जितना आपका दिया हुआ रहेगा डिविडेंड पर इक्विटी शेयर कितना मिला, इनटू 100 बाई अर्निंग पर शेयर, पर शेयर का अर्निंग क्या है वो हम लोग डिवाइड करेंगे, हम लोग का निकल जाएगा पे आउट रेशियो। यहां देखिएगा, उसके बाद सी नंबर, अर्निंग पर शेयर, यहां पे जैसे था ना कि अर्निंग पर शेयर, एक टर्म आ गया अर्निंग पर शेयर, तो हम लोग कैसे निकालेंगे अर्निंग पर शेयर? देखिए, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अगर ये करते हैं तो हम लोग का निकल जाएगा अर्निंग पर शेयर। मतलब अगर अर्निंग पर शेयर अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो पहले आपको अर्निंग पर शेयर यहां से निकालना पड़ेगा इस तरीके से, और तब इस फॉर्मूला को पुट करके पे आउट रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद डी नंबर में आपका आता है कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो बराबर होता है लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेप्ट, राइट डाउन कीजिएगा लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या होता है। देखिए, लॉन्ग टर्म डेप्ट में आपका आ जाएगा डिवेंचर, मोर्गेज लोन, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ये सारा चीज जो आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अगर लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है कोई भी लोन बोरोविंग, ठीक है, तो वह सारा आपका लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म डेप्ट सारा एड कर देंगे बाई टोटल कैपिटल, अगर टोटल कैपिटल दिया हो तो अच्छा है, अगर टोटल कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो टोटल एसेट्स दिया हुआ रहेगा वो हम लोग लिख देंगे, तो हम लोग का निकल जाएगा कैपिटल रेशियो, हम लोग का क्या निकल जाएगा कैपिटल रेशियो। फॉर्मूला का एक एक पॉइंट समझ के चलना है, ठीक है, हड़बड़ा के नहीं आगे बढ़ेंगे, एग्जाम बेस्ड जाए फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। लिख दिए, थोड़ा साइड भी आते हैं, अक्सर स्टूडेंट का शिकायत है सर साइड होता है, बोर्ड के बीच में रहते हैं, तो ये चीज राइट डाउन भी कर लीजिएगा। फिर बात करें डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो में आपका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेप्ट बाई शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म डेप्ट बाई शेयर होल्डर फंड। अभी हम जस्ट अभी आपको बताएं कि लॉन्ग टर्म डेप्ट अगर नहीं दिया हुआ रहेगा एक जगह पे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे मोर्गेज लोन, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म लोन, जो भी आपका लॉन्ग टर्म से रिलेटेड लोन है
वह सारा ऐड कर देंगे तो लॉन्ग टर्म डेप्ट हम लोग का निकल जाएगा, डिवेंचर लॉन्ग टर्म डेप्ट में आता है। फिर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड क्या होता है, ओनर का पैसा जिसमें आपका इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रिफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रपोज डिविडेंड रिटेंड अर्निंग, यह सारा जो भी ओनर्स का फंड होगा वह हम लोग ऐड करेंगे तो शेयर होल्डर फंड हम लोग का निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट भी। क्लियर। उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है इक्विटी रेशियो। इक्विटी रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इक्विटी रेशियो में शेयर होल्डर फंड, अभी जस्ट हम बताएं कि शेयर होल्डर फंड हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या क्या ऐड करेंगे तो शेयर होल्डर फंड निकल जाएगा। बाई कैपिटल इंप्लॉयड, बाई कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ रहे क्वेश्चन में। उसके बाद बात करें लास्ट प्रोपर्टी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इसमें शेयर होल्डर फंड बाई टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड हम लोग वैसे निकालेंगे, टोटल एसेट्स बैलेंस शीट में दिया हुआ रहेगा, अगर बैलेंस शीट गिवेन नहीं है तो हम लोग करेंट एसेट को, फिक्स एसेट को, अदर एसेट्स को, जो जो एसेट्स दिया हुआ रहेगा सबको सम कर देंगे, हम लोग का टोटल एसेट्स निकल जाएगा। क्लियर। और यहां तक आपका ये सॉल्वेंसी रेशियो का टोटल फॉर्मूला है बच्चे, एकदम अच्छे से वीडियो पॉज कर दीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। और अभी तक अगर आपको लग रहा है कि हमारा आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वह भी कर लीजिए, क्यों यार सारा नोट्स ना बच्चे एकदम लिख के एनालाइज करके आप तक पहुंचाए टेलीग्राम के थ्रू। माइंड योर ओन सक्सेस पे जाइए, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कीजिए, चैट बैक बॉक्स को ज्वाइन कर लीजिए, डाउट होगा तो वहां से डॉट भी आप दूर होगा आपका, ठीक है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को ना रिकमेंड भी कीजिए सब्सक्राइब करके कि नहीं भाई देखो सर को सपोर्ट करो, हमारे सपोर्ट से सर आगे और वीडियो लाएंगे, ठीक है। चलिए चलते इसे क्वेश्चन बनाते हैं, इसका ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे देखिए यहाँ पे मैंने तीन क्वेश्चन लिखा है यार, ठीक है, इसी तरीके का मैं मतलब टोटल 7 से 8 क्वेश्चन इस टॉपिक का करवा दूंगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन का फॉर्मेट स्टेटमेंट जैसा भी हो सकता है, बैलेंस शीट में भी दिया हुआ रहेगा, लेकिन हमको अगर बैलेंस शीट में दिया हुआ जैसे हम इन्फॉर्मेशन को छाट करके उसका यूज करेंगे यार, ठीक है, उस तरीके से हम बना सकते हैं। यहाँ कह रहा था कैलकुलेट फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशियो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ था, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ था, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल दिया हुआ था, लीज रेंट पेमेंट दिया हुआ था, ठीक है, ये टर्म्स दिया हुआ था आपका। फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस फिक्स्ड चार्ज बिफोर टैक्स बाई इंटरेस्ट प्लस फिक्स चार्ज बिफोर टैक्स। क्लियर, यह तरीके ये लिख दिए। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख का दिया था, हमने 1 लाख लिख दिया। फिक्स चार्ज बिफोर टैक्स, फिक्स चार्ज में देखिए दो दो खर्चा दिया हुआ आपका, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स और लीज पे रेंट पेमेंट, ये दोनों फिक्स चार्ज है तो यह ऐड कर दिए टोटल। उसके बाद था नीचे आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका 20,000 का दिया हुआ था, हमने वो लिख दिया। और यहाँ पे आपका फिक्स चार्ज बिफोर टैक्स, ये दोनों को जोड़ करके लिख दिया आपका 40,40,80,000, ठीक है, हम लोग का रेशियो आ गया 1.8:1, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंचाना है इसको, तो यह आपका बन गया, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके एग्जांपल्स में क्वेश्चंस में बहुत सारा क्वेश्चन होगा, आप सॉल्व कीजिएगा, अगर डाउट हो रहा है आप हमारे टेलीग्राम पे चैट बॉक्स में भेज दीजिए कि सर हमारा यह नंबर क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा, आप हमें मेल कर सकते हैं, मैसेंजर पे भेज दीजिए, इंस्टा पे भेज दीजिए, सारा का लिंक आपको चैनल के प्रोफाइल में मिल जाएगा, ठीक है, तो आपका हेल्प वहां से होगा। दूसरा कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो बोल रहा है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ था 1000 इक्विटी शेयर 100 ईच 1 लाख का, जनरल रिजर्व स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिवेंचर ट्रेड पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था दिया हुआ। हम लोग का फॉर्मूला क्या था डेप्ट इक्विटी रेशियो का, कि लॉन्ग टर्म डेप्ट बाई शेयर होल्डर फंड था ना, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या दिख रहा है, देखिए तो कुछ दिख रहा है ऐसा वैसा चीज, सिर्फ और सिर्फ एक डिवेंचर दिख रहा है, डिवेंचर दिख रहा है हमारा सिर्फ और सिर्फ एक, हमने डिवेंचर लिख दिया, डिवेंचर का वैल्यू 1 लाख था। अब शेयर होल्डर फंड में हम क्या सिखाए थे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस प्लस रिटेंड अर्निंग, तो यह सारा चीज। तो यहाँ पे हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग का यहाँ पे 1 लाख का दिया हुआ था, जनरल रिजर्व 50,000 का, तो प्रॉफिट एंड लॉस 25,000 का था, इसके अलावा कोई भी इक्विटी शेयर कैपिटल का हिस्सा नहीं था, हमने यहाँ पे कर दिया, तो हम लोग का 1 लाख लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर फंड में 1,75,000 आया, तो आंसर हम लोग का 4:7 हम लोग का निकल गया, यह डेप्ट इक्विटी रेशियो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आपका डाउट दूर होगा, अच्छे से समझ के चलिएगा, ठीक है।
आगे यहां भी बोला कि कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स का वैल्यू दिया हुआ था 2 लाख का, टोटल डेब्ट का वैल्यू 1,20,000 का था, करेंट लाइबिलिटीज का वैल्यू हम लोग का 40,000 दिया हुआ था। ठीक है, अब यहां पे डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर फॉर्मूला लॉन्ग टर्म डेब्ट बाई शेयर होल्डर फंड। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट यहां समझिए कि लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे निकाले, हम लोग का टोटल डेब्ट दिया है ना बचा 1,20,000, इसमें से लॉन्ग टर्म डेब्ट में अगर हम करेंट लाइबिलिटीज को या फिर शॉर्ट टर्म लोन जो होंगे उनको माइनस करेंगे, हम लोग को लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालना है। तो टोटल डेब्ट में से या तो करेंट वाले को हटा दीजिए तो लॉन्ग टर्म निकल जाएगा, या फिर अगर सिर्फ जो लॉन्ग टर्म दिया हुआ तो सारे लॉन्ग टर्म को जोड़ दिए तब आपका लॉन्ग टर्म टोटल डेब्ट निकल जाएगा। तो दोनों में से एक तरीका, बैलेंस शीट में अगर गिवन है तो टोटल डेब्ट में से हम करेंट वाले को हटा देंगे लॉन्ग टर्म निकल जाएगा। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे निकालें, देखिए टोटल डेब्ट 1,20,000 का था, करेंट लायबिलिटी जो आपका था यहाँ पे करेंट लायबिलिटी 40,000 का शॉर्ट टर्म होता है करेंट लायबिलिटी, तो यह माइनस कर देंगे तो लॉन्ग टर्म 80,000 निकल गया। क्लियर, दिमाग से चलना, इक्वेशन को समझना है। फिर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड थोड़ा समझिए। देखिए हम लोग दिमाग में बैलेंस शीट खोलेंगे, बैलेंस शीट में क्या होता है कि टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज बराबर होते हैं ना। तो आपका टोटल एसेट्स का वैल्यू दे दिया 2 लाख का, समझिए तो 2 लाख टोटल एसेट्स था, तो लाइबिलिटीज भी टोटल साइड 2 लाख ही होगा ना। अब 2 लाख के लाइबिलिटीज में अगर हम जितना भी डेब्ट है, करेंट डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट, सारे डेब्ट को हटा देंगे तो हम लोग का शेयर होल्डर फंड बचेगा। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट 1,20,000, मतलब सारे डेब्ट को हटा दिए तो हम लोग का जो रिमेनिंग बचा 80,000 या हमारा इक्विटी शेयर होल्डर फंड बच जाएगा। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट 80,000 और शेयर होल्डर फंड भी हम लोग का 80,000, हमारा आंसर आ जाएगा 1:1। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया। आगे और क्वेश्चन बताएंगे बच्चे, एक वीडियो और आपका इसका बनाऊंगा जिसमें सिर्फ सॉल्वेंसी रेशियो के क्वेश्चन रहेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो इसलिए नहीं लेके चल रहा हूं ताकि आपका बोरिंग फील ना करे, ज्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो, आपको देखने में इंटरेस्ट बना हुआ रहे और लग रहा है कि हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ और सजेशन देना चाहते हैं कि सर थोड़ा सा ऐसे भी हिंट कर दीजिए, इस तरीके से गाइड कीजिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो हम करेंगे, प्लीज कमेंट में बताएं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।